योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और बैठक के बाद वे सीधा जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मरीज से बात कर उनका हालचाल जाना। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वो जन भावनाओं को समझे और उसी के हिसाब से काम करें, वरना उनका बचा हुआ राजनीतिक करियर भी समाप्त हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी खुद की एजेंसी है जिससे वो सर्वे कराया करते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बाबा सिर्फ कागज पे काम कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव को आज की तारीख में फ्रस्ट्रेशन निकालने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। हम सुझाव देना चाहते हैं उनको कि जनभावना को समझने का प्रयास करें, नहीं जो थोड़ा बहुत राजनीतिक अस्तित्व बचा है वो भी मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने कि WHO ने जो आंकड़ा बताया है कोरोना से मौतों का, वो भाजपा द्वारा जो बताया है वो कहीं 10 गुना ज्यादा है, लेकिन भाजपा बहुत कम बता रही है। अब देखिए, अखिलेश यादव के पास खुद की एजेंसी है और खुद वो जाँच करते हैं। भारत की किसी भी एजेंसी पर उनको भरोसा नहीं है और ना ही भारत के संविधान पर उनको भरोसा है। तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि इस तरह से जनभावनाओं का अनादर करना और सही बात को स्वीकार न करना जो फैशन बन गया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसको छोड़ दे, नहीं तो राजनीतिक अस्तित्व भी उनका खत्म हो जाएगा। मुआवजा देने से सरकार नकारेगी? कभी नहीं। हम लोग इस बात के लिए कोई काम नहीं करते और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार के खजाने में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, कमजोरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। गौरतलब है कि CM योगी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि मंत्री अलग अलग जिले में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करें। इस कड़ी में अनिल राजभर कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और जिला अस्पताल का भी गहनता से निरीक्षण किया। पंजाब केसरी TV के लिए कौशाम्बी से अखिलेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।